DIS की ओर से भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल तथा वायसराय ऑफ इंडिया पर शुरू हो रही इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। वास्को डिगामा, एक पुर्तगाली नाविक जिसने सबसे पहले भारत का सबसे सीधा समुद्री मार्ग खोजा। उसकी इस खोज के बाद ही एक एक करके कई यूरोपीय ताकतें अपनी नौसेना के दम पर सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आईं। इन्हीं ताकतों में से एक था ब्रिटेन। अटलांटिक महासागर के पूर्वी कोने में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश ब्रिटेन का भारत पर शासन एक व्यापारिक इकाई के रूप में तब शुरू हुआ जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से रॉयल चार्टर प्राप्त किया। लगभग 3 शताब्दियों की समयावधि के अंदर ही ब्रिटिश शासन एक व्यापारिक शक्ति से परिवर्तित होकर दुनिया की सबसे बड़ी राजनैतिक व सैन्य ताकतों में से एक हो गया। इन उपलब्धियों का कारण उपनिवेशों में स्थापित की गई मजबूत एवं कुशल ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही था। भारत पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण इसी ब्यूरोक्रेसी के तहत बनाए गए गवर्नर जनरल एवं वायसराय ऑफ इंडिया के पदों द्वारा किया गया। DIS की ओर से भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल तथा वायसराय ऑफ इंडिया पर शुरू हो रही इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के माध्यम से हम भारत में ब्रिटिश शासन के तहत नियुक्त किए गए प्रमुख गवर्नर जनरल एवं वायसराय ऑफ इंडिया तथा उनके क्रमों पर चर्चा करेंगे। इनमें पहला नाम आता है रॉबर्ट क्लाइव का। सन 1744 में क्लाइव को मद्रास के फोर्ट सेंट जॉर्ज में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक क्लर्क के रूप में नियुक्त किया गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान जब फ्रांस ने मद्रास पर हमला किया तब क्लाइव ने कुड्डालोर में अवस्थित फोर्ट सेंट डेविड के बचाव कार्य में सहायता प्रदान की। इसके अलावा उसने पांडिचेरी की घेराबंदी में भी अपने सैन्य नेतृत्व को उजागर किया। इसके बाद सन 1751 में द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान अपनी कुशल चाल से अर्कॉट की घेराबंदी कर क्लाइव ने इस युद्ध का पासा ब्रिटिश के पक्ष में पलट दिया। इसके बाद सन 1753 में वह इंग्लैंड लौट गया। सन 1755 में लॉर्ड क्लाइव ब्रिटिश आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में दोबारा भारत वापस आया तथा उसे फोर्ट सेंट डेविड का डेप्यूटी गवर्नर भी बना दिया गया जिसका उसने बचाव कार्य संभाला था। इतिहास के पन्नों में दर्ज 23 जून 1757 में घटित प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराने के लिए क्लाइव ने षड्यंत्र रचकर सफलता प्राप्त की। प्लासी में हुई इस जीत से बंगाल में ब्रिटिश संप्रभुता स्थापित होने के साथ साथ भारत को लूटने का सिलसिला भी शुरू हो चुका था जिसके लिए मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाकर बंगाल में पपेट रूलर की शुरुआत अंग्रेजों द्वारा की गई। इन सभी घटनाक्रमों में क्लाइव की अहम भूमिका रही तथा उसे सन 1757 में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर बना दिया गया। इस प्रकार 1760 में वह एक धनी व्यक्ति के रूप में इंग्लैंड लौट गया। सन 1765 में क्लाइव जो कि अब लॉर्ड क्लाइव बन चुका था बंगाल के पहले गवर्नर तथा कमांडर इन चीफ के रूप में तीसरी बार भारत आया। हालांकि उसके कार्यकाल के पहले ही हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बक्सर का युद्ध जीतकर बंगाल बिहार व उड़ीसा के दीवानी अधिकार हासिल कर लिए थे। गवर्नर के पद पर रहते हुए ही क्लाइव ने डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट स्थापित किया जिसके तहत कंपनी के पास बंगाल के दीवानी अधिकार तथा नवाब के पास निजामत थी। इसके अलावा उसने कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर पाबंदी लगा दी। सन 1765 में ही क्लाइव ने सोसाइटी ऑफ ट्रेड की शुरुआत की जिसे बाद में स्थगित कर दिया गया। भारत में अपने इस तीसरे व आखिरी कार्यकाल की समाप्ति के बाद क्लाइव 1767 में वापस इंग्लैंड चला गया।
इस प्रकार भारत में ब्रिटिश आधिपत्य की नींव रॉबर्ट क्लाइव द्वारा रखी गई, जो कि अपनी कुशल रणनीतियों से एक क्लर्क के पद से उठकर गवर्नर के पद तक पहुंच गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पिट ने क्लाइव को स्वर्ग से जन्मा जनरल कहा था।